नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। इस लिस्ट में केवल एक महिला का नाम शामिल है। बीजेपी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कालीचरण राजभर को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक मुबारकपुर से अरविंद जायसवाल, मोहम्मदाबाद गोहना से पूनम सरोज, मऊ से अशोक सिंह, मछली शहर से मिहलाल गौतम, जोराबाद से कालीचरण राजभर, मुगलसराय से रमेश जायसवाल, चकिया से कैलाश खरवार, घोरेवल से अनिल मौर्य और ओबरा से संजीव गोंडा को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 11 बजे से किया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से अभी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। अब इस समय में बदलाव किया गया। बता दें कि नाइट कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य तरह के मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। वहीं सरकार ने अब कोरोना में मामलों में लगातार रही गिरावट को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नूरपुर के नौमी मैदान में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2012 से 17 तक यूपी में अराजकता थी। पहले चरण के चुनाव में साइकिल पंचर हो गई। बिजनौर में पहले गुंडा राज चलता था। उत्तर प्रदेश की जनता को विपक्ष ने कोरोना के जाल में फंसाने का काम किया था। अब की बार बीजेपी की 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। सरकार बनने पर एक बार फिर से खजाना खोलकर विकास का काम किया जाएगा। हमने सबको राशन दिया, किसानों को सम्मान राशि दी, हमने बिना भेदभाव के काम किया। गठबंधन की सरकार का मतलब है कि सुरक्षा को खतरा है। वहीं औरैया में तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिधुना के भदौरा गांव पहुंची, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के घोषणा पत्र को बताते हुए कहा है कि पार्टी का घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र है। सरकार बनने पर सभी वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ वादे किए हैं और पिछले 5 सालों में वोट बैंक की राजनीति कर प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया। समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था से लेकर हर व्यक्ति परेशान रहता था। वहीं बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हित के लिए सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय की राजनीति करती है। बता दें कि मायावती की जनसभा के दौरान औरैया अटावा कन्नौज समेत अन्य जिले के प्रत्याशी और प्रभारी भी मौजूद रहे थे। उनके कारण काफी ज्यादा दुखी परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यह प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। जिसमें वहीं यूपी में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। सपा को तगड़ा झटका लगा है। अमेठी में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने ग्राम प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख सहित सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई है। अमेठी के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा की सदर सीट गौरीगंज से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो भटगवा बाजार पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित सुभाष चंद्रा ने भी अपनी टीम के साथ पहुंचकर उनका समर्थन करते हुए उपस्थित जनता से वोट देने की अपील की है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी ने कहा कि 10 साल से गौरीगंज का बुरा हाल है। भ्रष्टाचार यहां पर चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भ्रष्टाचार था 10 साल, सड़कों का बुरा हाल है,
न विकास है, न रोड है, सड़कों का वो हालत है, सब पैसा सड़कों का पास करके लूट खसोट भ्रष्टाचार हुआ है, तमाम ये मुद्दे हैं। महादेव से महादेव के घर तक ये सड़क का प्रस्ताव हुआ है, न महादेव का पता है, न महादेव के घर का पता है। ऐसे में जो है आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी विधायक बनने के बाद? पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसको हमने संकल्प पत्र में उद्धृत करने का काम किया है, और गौरीगंज के जनमानस को जैसे मैंने जीत दिया था उसी तरह से आदर्श विधानसभा। चंदौली के मुगलसराय और चकिया विधानसभा से बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। मुगलसराय से जहां पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रेखा जायसवाल के पति रमेश जायसवाल को टिकट दिया गया, तो वहीं चकिया से वरिष्ठ कार्यकर्ता कैलाश खरवार को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं सूची आने के बाद जहां मौजूदा विधायक शांता सिंह और चकिया विधायक शारदा प्रसाद के समर्थकों में मायूसी छाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर भी देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सदर सीट से प्रत्याशी लुईस खुर्शीद के समर्थन में प्रचार करने फरुखाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। इस सरकार के बुलडोजर को केवल एक दो कौम के ही नहीं घर दिखाई देते हैं, आगामी 10 मार्च को बुलडोजर का ड्राइवर उतार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार किसान का गुस्सा महंगाई का असर दिख रहा है, इसका असर बीजेपी के चुनाव पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। अफजान कब्रिस्तान के बाद बुलडोजर चला था और फिर चलेगा। बुलडोजर चलाना योगी जी का काम है, और बुलडोजर जो तुम्हारा योगी जी चलता है, मैं तुम पे इल्जाम लगाता हूं, दो जगह आके रुक जाता है। अगर किसी ब्राह्मण का घर दिख जाए, मुसलमान का घर दिख जाए, गरीब का गिर जाए, तो वो गिर जाता है, और तुम्हारे बड़ा सा बड़ा पापी, बड़ा सा बड़ा अपराधी और भारतीय जनता पार्टी का अंगौछा ओढ़ ले तो अपराधी से महात्मा हो जाता है। पुलिस वालों पे गोलियां चलाई हूं, उन्हें मरने का जीने का अधिकार नहीं था, मानता हूं, लेकिन उस मासूम बेटी खुशी का क्या कसूर था? 48 घंटे पहले शादी हुई थी, और उस पर इल्जाम क्या है? उसने गोलियां नहीं चलाई, उसे किसी को मारा नहीं, उस पर इल्जाम है कॉन्स्पिरेसी का, खडयंत्र का। आप बताओ, हमारे आपके यहां जब बहू आती है तो उसके खूंघट हटने में 3-4 दिन, हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं। संत कबीर नगर के मेहदावल विधानसभा सीट पर बीजेपी और निषाद पार्टी के प्रत्याशी अनिल त्रिपाठी ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अनिल त्रिपाठी ने अपने विधानसभा में जनसंपर्क कर जनाधार जुटाने के साथ साथ अपनी जीत का दावा किया। अनिल त्रिपाठी के समर्थक भी अनिल त्रिपाठी की जीत का दावा कर रहे हैं। मेहदावल विधानसभा से निषाद पार्टी के प्रत्याशी अनिल त्रिपाठी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत ने, क्या कुछ कहना है उनका इस दौरान सुनिए। मेहदावल से निषाद पार्टी के प्रत्याशी अनिल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, और पूरे लावा लश्कर के साथ अपना जनाधार जुटाने के मकसद से और एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, और पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है डोर टू डोर जा के जो है कन्वेंसिंग इनकी जारी है, और भारी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इनको इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये जो हुजूम है आपके साथ, ये क्या संकेत दे रहा है अनिल जी? देखिए, ये जो हुजूम है ये हमारे और हमारे परिवार के लाखों लोगों का प्रेम है। ये कोई लाया नहीं गया है, ये कहीं से किराए पर नहीं आया है कोई, ये सभी लोग मेरे प्रति जो प्रेम है उसे यहाँ पर प्रकट करने आए हैं, और बाकी परिणाम वो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। कैसा स्नेह मिल रहा है जनता का? पिछले 18-20 सालों में जो मैंने सेवा किया है वो सबको याद आ गया है, सबको याद आ गया है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें, चाहे मैंने बच्चों के लिए क्रिकेट का आयोजन किया हो, चाहे मंदिर पे हारमोनिया और ढोल दिया हो, चाहे किसी का इलाज कराया हो, चाहे किसी बच्चे को किताब दिया हो,
चाहे किसी बहन बेटी के शादी में सहयोग किया हो, जितना भी मैंने सेवा का काम किया पिछले 18 सालों में, वो आज लगता है जैसे 18 सालों की तपस्या एक बार पूर्ण हो गई है और सब चीज़ें लोगों को याद आ गई हैं और लोगों के हृदय में मुझे स्थान मिल रहा है। तो फिर यह स्थान मैं कभी भी डिगने नहीं दूंगा और अपने क्षेत्र की हमारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों के सबके हृदय में जो स्थान मुझे मिल रहा है उससे मैं अपने आप को कभी हटने नहीं दूंगा, ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा। अपने विधानसभा ने अभी आपने जिक्र किया कि कुछ आताताई और जो है जिन्नावादी लोगों से आपका मुकाबला है। देखिए, कभी भी किसी भी संघर्ष में वैचारिक संघर्ष ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैंने कहा कि एक तरफ राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का और एक तरफ स्वार्थ और धन लोलुपता का मामला है, तो ये हमारे मेहदावल विधानसभा के लोगों ने पहचान लिया है कि कौन लोग राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, कौन लोग भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, कौन लोग भारत देश के संविधान और इसकी अखंडता और एकता की रक्षा के लिए कर रहे हैं, और बाकी कौन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सत्ता में आकर के जनता का धन लूटने का योजना बना करके आ रहे हैं। क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा इस बार आपके विधानसभा के चुनाव में महत्व रखेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि आप देख लो जो दूसरे पार्टियों के प्रत्याशी हैं, बाकी प्रत्याशी तो नहीं, सिर्फ जनता लोग ये कहते हैं, कुछ राजनीतिक लोग जो अपने को ये कहते हैं कि भाई वो राजनीति का गुड़ागड़ी जानते हैं, उनका कहना है कि दो पार्टियां और लड़ रही हैं, लेकिन आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि यहाँ पर कोई लड़ाई तो नहीं दिख रही है। सारा का सारा हमारा समाज, हमारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे कोई लड़ाई नहीं दिख रही है। अनिल जी, एक समस्या जो आ रही है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का अलायंस के प्रत्याशी आप हैं, तो कमल का फूल जो है चुनाव निशान नहीं रहेगा और चुनाव निशान को लेकर कुछ भ्रम भी लोगों में, मतदाताओं में देखा जा रहा है, तो उससे कैसे उभर पाएंगे? देखिए, ये कोई भ्रम नहीं है। आज के वक्त में तकनीक इतना ऊंचाई पर है, सारे लोग संसाधनों से लैस हैं, मोबाइल मीडिया इसके माध्यम से, मुझे लग रहा है कि अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जहां तक ये सिंबल के बारे में जानकारी न पहुंच गई हो। सबको पता चल गया सिर्फ 24 घंटे के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अनिल त्रिपाठी का जो चुनाव चिन्ह है वो भोजन भरी थाली है, ये सबको पता चल गया। मैंने कहा कि बाबू जी बताओ जा, आपको पता है निशानवा का है? तो कहते अरे काहे परेशान बाटा, सबके मालूम बा भोजन भरी थाली है। लोगों ने, हमारे घरों में रहने वाले बुजुर्गों ने बताया, तो इसका मतलब है कि जो सूचना है वो सूचना उस विद्युत गति से लोगों तक पहुंच गई है। और ये कोई अब कठिन बात नहीं, लेकिन हम अपना परिश्रम करेंगे हर घर तक, हर व्यक्ति तक अपने सिंबल के बारे में पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अनिल त्रिपाठी जी, दिखाना चाहेंगे ये हुजूम है, ये उनका समर्थक हैं और समर्थक पूरी तरह से अनिल त्रिपाठी जी के साथ हैं और जनता को हमको चाहिए। क्या मानते हैं अनिल त्रिपाठी जी क्यों होने चाहिए? समाज सेवी आदमी है, आज नहीं भाजपा 18 साल से पहले सेवा करते चले आए हैं। हमको अनिल त्रिपाठी चाहिए, चाहे जो सिंबल लेके आवे। आप बताइए बाबा क्या मानते हैं? बहुत कर्मठ हैं, सुशील हैं, सज्जन हैं, इनके अंदर हर चीज़ का काम करने की क्षमता है, हर तरह से सबका सम्मान करते हैं, छोटे बड़े पर ध्यान देते हैं। आप क्या मानते हैं? हम अनिल त्रिपाठी को चाहते हैं, कुछ भी चीज़ सिंबल हो, हमसे सिंबल से नहीं मतलब है, अनिल त्रिपाठी से मतलब है। आप बताइए आप क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन रहा है और गरीबों के प्रति जो उन्होंने भोजन की व्यवस्था किया है, उसी भोजन की व्यवस्था के तहत निषाद पार्टी का भोजन भरी थाली आई है। और इस विगत दो साल से हम जो है भोजन भरी थाली दे रहे हैं, तो आज आपके चुनाव में भी जो है हम भोजन भरी थाली दे रहे हैं अनिल त्रिपाठी को भारी मोहब्बत से जिताने के लिए। आप बताइए आप क्या मानते हैं कि अनिल त्रिपाठी इस विधानसभा के विधायक क्यों होने चाहिए? अनिल त्रिपाठी उस पार्टी के प्रत्याशी हैं जिस पार्टी का
कार्यकर्ता बूथ स्तर पे काम करता है और भारतीय जनता पार्टी, हिंदू युवा वाहिनी, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर पन्ना प्रमुख तक को बना ले गए हैं। और जैसे ही माननीय अमित शाह जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि मेहदावल विधानसभा में अलायंस का चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली होगी, हर बूथ पे बूथ अध्यक्षों तक पहुंच गया है और वह लोग अपने अपने बूथों पे चुनाव चिन्ह पहुंचा रहे हैं। और अनिल त्रिपाठी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सुशील हैं, सज्जन हैं, हमेशा लोगों से मिलते हैं, अपनी गाड़ी रोक करके जाते हैं, छोटा छोटा बच्चा अगर चाहे तो उनसे मिल सकता है, इसलिए अनिल त्रिपाठी का विधायक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये समर्थक हैं, इनका साफ तौर पे मानना है कि 18 साल की जो तपस्या है अनिल त्रिपाठी की, वो रंग लाएगी और अब की बार मेहदावल विधानसभा सीट पर अनिल त्रिपाठी भारी बहुमत के साथ जो है जीत कर चुनाव जीतेंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मेहदावल विधानसभा, संत कबीर नगर। मुजफ्फरनगर में मतदान के बाद अब गठबंधन नेताओं और प्रत्याशियों ने कुकड़ा मंडी स्थल के ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंचकर आसपास बारीकी से मुआयना किया और प्रशासन से मांग रखी कि वो ईवीएम की सुरक्षा और निष्पक्षता के साथ अपनी निजी पहरा भी लगाएंगे। उन्होंने निगरानी के लिए जिला प्रशासन से सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग की है। सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी का कहना था कि जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी सरकार की बेईमानी और निष्पक्षता की धज्जियां उड़ते सबने देखी है। हमने निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन पर तो भरोसा है, लेकिन बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता विपिन मनोठिया पर हुए हमले के मामले में मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरजकुंड पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है और ऐसा ना होने पर सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी गई। बता दें कि सपा नेता विपिन मनोठिया पर पहले चरण के मतदान के दौरान मेरठ के शास्त्री नगर में बीजेपी समर्थकों ने उस पर हमला बोल दिया था, जब वो दक्षिणी विधानसभा सीट से समाजवादी प्रत्याशी के आदिल चौधरी के साथ एक बूथ पर फर्जी मतदान होने की सूचना पर पहुंचे थे। हमारे दलित समाज की वाल्मीकि समाज की पंचायत है और जो परसों हमारे साथ घटना घटी है तमाम लोगों ने देखी और आप लोगों के माध्यम से तमाम जगह पूरे देश में वो वीडियो चल रही है हमारी। और जिस प्रकार से सत्ता के विधायक जो साउथ के मेरठ के विधायक हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, उनके इशारे पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी हार की बौखलाहट है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जातिवाद भी, जैसे योगी जी के मन में जातिवाद भरी हुई है तो मेरे को लगता है उनके मन में भी जातिवाद है। देखिए, हम बूथ से बाहर निकलते हैं और बूथ से बाहर निकलने के बाद जय श्री राम नारे जाते हैं, उसके बाद हमारी पिटाई कर दी जाती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरठ की, जहां सपा नेता पर हमले को लेकर एक पंचायत का आयोजन किया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता विपिन मनोठिया पर हुए हमले के मामले में मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरजकुंड पर वाल्मीकि समाज के कुछ लोग पंचायत करने पहुंचे और जिसमें आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। बता दें कि सपा नेता विपिन मनोठिया पर पहले चरण के मतदान के दौरान मेरठ के शास्त्री नगर में बीजेपी समर्थकों ने उस समय हमला बोल दिया था, जब वो दक्षिण विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल चौधरी के साथ बूथ पर फर्जी मतदान होने की सूचना पर पहुंचे थे। बस इसी को लेकर हंगामा बरपा हुआ है और एक पंचायत का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। फतेहपुर के सदर विधानसभा से सपा प्रत्याशी चंद्रप्रकाश लोधी मुराइन टोला में जनसंपर्क करने पहुंचे, जहां उनके समर्थकों के हुड़दंग में रोड के निर्माण कार्य में पत्थर लगी दीवार गिर गई, जिसके नीचे महिला सीना दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। तो फतेहपुर का एक पूरा मामला है, आपको बता दें कि सदर विधानसभा से सपा प्रत्याशी चंद्रप्रकाश लोधी टोला में जनसंपर्क करने पहुंचे थे, जहां पर उनके समर्थक भी भारी संख्या में थे और वो हुड़दंग मचाने लगे। ऐसे में रोड के निर्माण कार्य में पत्थर लगी दीवार अचानक से गिर गई, जिसके नीचे एक महिला दब गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई, परिजन जिसे अस्पताल लेकर पहुंचे हैं।
कहाँ पे हुआ, कैसे हुई? टोला में दीवार वो नियम वाली पत्थर वाली दीवार थी, हाँ, वो पलट गई। क्या कर रहे हैं दीवान? खड़े थे हम लोग, और क्या है? क्या कोई प्रोग्राम था क्या वहाँ? अब क्या बताएं आपको, नहीं वहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा था क्या? तब वहाँ खड़ी थे भीड़, मतलब थी क्या था? अरे प्रोग्राम हो रहा था। किसका? चेयरमैन साहब का। तो चेयरमैन का या मतलब मतलब प्रत्याशी का? अच्छा। तो हम लोग खड़े थे, हाँ, वो दीवार पलट गई भीड़ के झटके में, मतलब ऐसा हुआ। दीवार वही नियम वाली होती है, कमजोर तो होती है, मतलब कमजोर होती तो अपने आप तो गिरी नहीं, कोई धक्का वक्का लगा, भीड़ हुई होगी। अरे वो भीड़ निकल चुकी थी उसके बाद। लगातार सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान करने वाले पठानी के ग्रामीण आज आखिरकार ब्लॉक प्रमुख और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता आदि के द्वारा पठानी गांव में पहुंचकर लिखित आश्वासन दिए जाने पर मतदान करने के लिए राजी हो गए हैं। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और सक्षम अधिकारी पठानी गाँव में ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों के बीच संबोधित करते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने कहा कि चुनाव निपटने के लिए उपरांत एक माह के अंदर पठानी गाँव की सड़क के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति ली जाएगी और उसके बाद शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया की जाएगी। इससे पहले पठानी गांव में छोटे स्तर के कर्मचारी लोगों को समझाने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहां के लोग उनकी एक नहीं मान रहे थे और चुनाव मतदान के बहिष्कार पर अड़िग बने हुए थे। इसमें यह है कि हम जो फॉरेस्ट में फाइल जा रखी है सड़क के लिए, उसको हम तीन चार महीने के अंदर उसको पूरा स्वीकृत कराने की कोशिश करेंगे और उसके पास की निविदा लगवा देंगे। और जो गांव वालों का जो मुख्य मुद्दा था कि रोड नहीं तो भोड़ने का बहिष्कार में, लिखित रूप से वो आश्वासन देना चाह रहे थे, तो हमने उनको लिखित रूप में आश्वासन दे दिया। हमने हमारे जो दो सूत्री जो मांग थी काफ़ी समय से 2018 से लगातार, लेकिन किसी भी शासन प्रशासन ने अभी तक संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन वर्तमान में हमने गाँव वासियों ने ये मुद्दा रखा कि हम चुनाव पूर्ण बहिष्कार करेंगे और हमारे 2 जनवरी से हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे, लेकिन उस समय से लगातार पूर्ण बहिष्कार का जो कार्य चल रहा था, कल तक था, कल भी हमारी बैठक हुई थी ग्राम पंचायत पैठानी में। हमारी जो ग्राम सभा की दो मांगे थी, एक तो हमारी रोड नहीं तो वोट नहीं, एक हमारी प्रखाल चौथा मोटर मार्ग से पैठानी हेतु 2 किलोमीटर मोटर मार्ग प्लस ये ग्वालदम बैजनाथ मोटर मार्ग से पैठानी हेतु पुल प्लस 1.5 किलोमीटर रोड की जो मांग थी, उसको आज पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब, उनके एई और जेई और हमारे इस ब्लॉक के प्रथम व्यक्ति प्रमुख जी आज ग्राम सभा के बीच में आए हैं। उन्होंने हमें लिखित आश्वासन दिया कि हम जो वन स्वीकृति है फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस है उसके एक महीने के बाद हम तुरंत इस पर काम करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।